फ्रेंड्स, ये आज हमारे पास आया कल्चर पॉम एक ग्रूमिंग के लिए। इसका प्रॉपर कंडीशनिंग करवानी थी इन्होंने ओनर्स ने कि इसकी हालत काफी खराब हो रखी है। तो मेजर प्रॉब्लम ये आती है हमेशा सभी पेट ओनर्स को, क्योंकि जैसे ही सर्दियां आती हैं, सर्दियों में सब ओनर्स सर्दी से बचाने के लिए अपने पेट्स को एक जैकेट जरूर डालते हैं। तो जैकेट्स डालने के साथ क्या होता है, इनके प्रॉपरली ना तो कॉम्बिंग हो पाती है, और हमेशा इनका प्रॉपर जैसे टाइम टू टाइम बात करवाना, कॉम्बिंग करवाना, प्रॉपर ग्रूमिंग करवाना, ये सब रूटीन खराब हो जाते हैं। और आइए आज हम आपको दिखाते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या हुई है। अभी मैं इसका जैकेट उतारने लगा हूँ। ये देखिए इसके हाल, इसके नोट्स बहुत ही हो रखे हैं, स्किन प्रॉब्लम भी आ चुकी है इसके, कम हुआ है कम, और स्मेल भी काफी आ रही है। कौन देंगे, ये देखिए इसके अभी सारे के सारे बाल एकदम खराब हो चुके हैं, नोट से पूरा भरा पड़ा है इसकी। अभी अगर हम ट्राई करेंगे इसकी कॉम्बिंग करने की, तो कॉम्बिंग भी करनी इसकी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हमेशा यूज़ करते हैं जो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक तो कॉम्ब होती है इस तरह की जो मेजर नॉर्मली रेगुलर यूज़ होती है, प्लस एक स्लिकर यूज़ होता है। अगर कभी भी ग्रूमिंग्स में आप ग्रूमिंग करवाने के लिए जाते हो तो ये दो टूल्स उनके मेजर होते हैं। तो अभी आपको हम करके दिखाते हैं। ये देखो जहाँ जहाँ भी कॉम्ब चल रही है उधर उधर ही रुक रही है, क्योंकि नीचे नीचे सारे नोट्स भरे पड़े हैं, क्योंकि हमारे चलाने का एक तरीका और प्लस नॉर्मल। ये देखिए अगर ऐसे जोर से अगर मैं खींच भी दूंगा तो इसके सारे के सारे बाल खींच जाएंगे, बाल तो टूट जाएंगे, टूटने के साथ क्या इसके जख्म होने शुरू हो जाते हैं, बाउंस हो जाते हैं इनके। तो इसलिए हम उतना ही यूज़ करते हैं, उतना ही इसको चलाते हैं, ज़्यादा जोर नहीं लगाते ताकि आगे इनको खुद को पेन ना फील हो। तो आइए अभी हम आपको दिखाएंगे इसकी प्रॉपर, आज हम इसका जो पहला सेशन है उसमें हम इसको प्रॉपर पहले तो मेंटेन करेंगे इसका, पहले सारी बॉडी के हम नोट्स निकालेंगे, जो कहते हैं कि कभी नोट्स निकल नहीं पाते वॉशिंग में। देखो टाइम जरूर लगता है लेकिन सब कुछ क्लियर हो जाता है। आइए हमेश आना करें दूसरी कॉम्ब देने प्रॉपरली। ये जो कॉम्ब है ये रेगुलर यूज करने के लिए होती है, जैसे जिसके बहुत ज्यादा नोट्स हो जाते हैं, और इसको चलाने का भी एक तरीका होता है कि अगर हम बोले हर कोई बंदा यूज कर लेगा वो नहीं कर पाते, क्योंकि अगर थोड़ा सा ज्यादा खींच दिया तो बाल बिल्कुल ही बेस से निकल जाते हैं, जब निकलेंगे तो उधर जख्म हो जाते हैं, और साथ साथ जैसे पस भर गई, ब्लीडिंग होने लग पड़ी, और उसके बाद डॉग इरीटेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, डॉग इरीटेट होंगे तो उसके बाद डॉग काटना शुरू कर देते हैं। हम उसके बाद ये कोशिश करते हैं कि इसके आसपास कोई भी ना हो, कि हर बार कॉम से भी डरना शुरू कर देते हैं। तो आपको हम थोड़ी देर में दिखाते हैं इसका प्रॉपर करने के बाद। ये भी फाइनल टच में हम चेक कर रहे हैं कि कोई और भी कोई नीचे कोई ना कोई नोट्स रह चुका हो तो हमें पता लग जाए, लेकिन अभी हमने चेक कर लिया है इसके अभी कोई भी नोट्स बाकी नहीं है। डिमांड के हिसाब से हमने प्रॉपरली इसको फुली मेंटेन कर दिया है, और बाकी इसके जो हेयर्स स्ट्रेट करने हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये डॉग की मेंटेनेंस किस तरह की होती है आफ्टर इसका प्रॉपर कंडीशनिंग और प्रॉपर इसके बाद के बाद, और कुछ बाल इसके थोड़ा ख़राब हो चुके हों तो उसको हमने कैसे स्ट्रेट करना है, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर कॉम्बिंग कैसी करनी चाहिए, वो हम रेगुलरली आज के बाद हम जितनी भी वीडियोस आएंगे उसके बीच में हम हर बार आपको गाइड करेंगे, ताकि आप अपने पेट को अपने घर में ही प्रॉपरली मेंटेन करके रख सको, और बार बार आपका पेट सैलून में जाने की नौबत ना आए, जो आप अपने पैसे वेस्ट करते हो, और पैसे तो वेस्ट होते होते हैं, प्लस साथ में क्या है डॉग्स भी बहुत तंग हो जाते हैं क्योंकि उनको आपने
प्रॉपरली मेंटेन नहीं करके रखा हुआ है। नॉर्मली जो लॉन्ग हेयर पेट्स होते हैं इनको डेली वन टाइम कॉम्बिंग बहुत ज़रूरी है। सो आप हमें कमेंट करके बताइए, आपके पेट जब आप उनको ग्रूमिंग करवाने के लिए लेके जाते हो तो वो भी इसी पेट की तरह ही ईजली ग्रूमिंग करवाते हैं जब वो तंग करते हैं? सो आपको किसी भी तरह की पेट के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, कोई इंक्वायरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे जो दिया गया कमेंट है उसके ऊपर आप हमें कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो हमारा ये वीडियोस बनाने का यही मकसद था कि हम जितने भी हमारे देखने वाले वीडियोस जो दूर रहते हैं, हमारे आसपास नहीं रहते, तो अगर उनको कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकें। ओके, बाकी आप इंजॉय की। फाइनली सारे नोट्स निकल चुके हैं इस पेट के, तो अभी कोई भी ऐसा नहीं आ रहा। बाकी इसको थोड़ा थोड़ा जान जान से इसके कुछ हेयर की ग्रोथ हो रही थी, वो भी अभी हमने प्रॉपर मेंटेन कर दिया। तो बाकी ये प्रॉपर इसके बालों का भी स्ट्रेटनर करना है, जो भी इसका लुक देना वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। और अभी के लिए इतना ही काफ़ी। जो आगे आपको कोई भी प्रॉब्लम है ग्रूमिंग रिगार्डिंग, आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं।